प्रीतगोधरा से गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या का बदला लेने के लिए विधायकों को धमकाने वाले बदमाशों ने कई खुलासे किए हैं। आरोपियों ने दो नहीं बल्कि चार विधायकों सहित कई लोगों को धमकी दी थी। इनमें से बीजेपी के कद्दावर नेता व राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हैं। इनके अलावा सुजानगढ़ एमएलए मनोज मेघवाल और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी धमकी दी गई है। हालांकि मुकदमा केवल लाडून एमएलए मुकेश भागोर और रतनगढ़ एमएलए अभिनेश हर्षी ने ही दर्ज करवाया गया था। पुलिस पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि इस साजिश के मास्टरमाइंड संजय चौधरी और पवन गुजरा के ठेठ गैंग से नजदीकियां कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। पवन गुजरा तो गैंगस्टर ठेठ का महज का एक फेसबुक फॉलोअर ही था। वही संजय भी राजू ठेठ के भाई के ओमा के जेल के जाने के बाद ही उसके ज्यादा करीब पहुंचा था। ठेठ मर्डर से महीने के पर पहले तक संजय हर समय उसके पास नजर आता था।